अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ज़बरदस्त वास बनाना सिखा रही हूँ आपको। उसके लिए आपको चाहिए कुछ कलर पेपर्स और एक कोई सा भी कॉपी का हार्ड वाला पेज, हार्ड वाला गत्ता, सीजर, ग्लू स्टिक और ये UHU। आप चाहें तो हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास कुछ कुंदन्स हैं, कलरफुल्स हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, वो भी फ्री में। वीडियो अच्छी लगे तो थम्सअप करें। सबसे पहले आपने एक आपने छोटे से इसके क्यूब शेप में 2 इंच का आपने इसका एक पीस ले लेना है। ये 2 इंच का ले लिया मैंने। अब आपने इसी को ही 2 इंच मैंने 2 इंच का निशान लगाया और इसी को मैंने नीचे भी 2 इंच का निशान लगाना है और एक लाइन लगा दी। जी ये 2 इंच की लाइन लगा दी। और अब इधर मैं 1.5 इंच का पीस लूँगी, 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, 1.5, 1.5 इस पे भी मैंने निशान लगा दिया। अब आपने करना क्या है, ये जो मैंने निशान लगाया है इसको आपने ऐसे करके ऐसे, ये देखिए ये मैंने 1.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली और इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी। ये इसकी लेंथ हो गई इस पेपर की 1.5 इंचेस। और ये मैंने 2 इंच का पीस लिया था, इसको भी मैंने ऐसे ही सेम प्रोसीजर से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इसको शेप दी ऐसे। अब ये देखें ये भी बन गया। ये था मेरा 2 इंच का और ये था मेरा 1.5 इंच का। अब आपने करना क्या है, UHU स्टिक ली उसको मैंने दरमियान में लगाया और ये इसके दरमियान में मैंने सेट कर दिया। जी व्यूअर्स ये देखिए ये इसके साथ मैंने डबल अटैच कर दिया। डबल अटैच करने के बाद अब आपने करना क्या है, इस साइड को ये वाला कोना इस कोने के साथ मैंने इसको ग्लू लगा के जोड़ देना है। ये देखिए ये मैंने इसको जोड़ दिया, चिपका दिया ग्लू की मदद से, चिपका दिया इस तरह। ये एक डिज़ाइन बन गया। ये देखिए अब आपने करना क्या है, अब इसके ऊपर मैंने एक कुंदन लगाना है। आप कोई से भी कलर का ले सकते हैं, यूहू स्टिक। इसके सेंटर पे मैंने
इसको चिपका दिया ऐसे। सेम इसी तरह मैंने ये और भी ये सारे कलरफुल बना दिए। आप चाहें तो एक कलर का भी बना सकते हैं, सब में कोई ना कोई ऑपोजिट कलर्स हैं। ये मैं बना चुकी थी पहले। अब आपने करना क्या है, दो बैंगल्स ले लें, चूड़ियाँ ले लें, घर में आम पड़ी होती हैं, वेस्ट पड़ी होती हैं। अच्छा जी, ये जो बैंगल्स लिए आपने, साथ आपने यूज़ करना है एक हार्ड पेपर, ये गत्ता है, कॉपी का भी गत्ता आप ले सकती हैं, मैंने ये ले लिया। अब आपने करना क्या है, मैंने इसको पहले अच्छी तरह बैलेंस कर ले और जितने साइज का बनाना है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर ले। अब आपने इसके साथ इसको अटैच कर लेना है। ये अब मैं इसे ग्लू लगा के साथ साथ इसके अटैच कर दूंगी। ये इसको बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे। मैं मज़ीद आगे भी लगा दूंगी। जी बस ये देखें, ये बिल्कुल मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब ये वाली साइड रह गई है, मैं इसको भी इसके साथ जोड़ दूंगी। ये ज़रा थोड़ा सा चिपकने में टाइम लेगा। अब मैं आगे इसके ग्लू लगा दूंगी। अब मैं इस साइड पे भी लगा दूंगी। जी बस इसको ज़रा मैं ड्राई होने दूंगी। जी बस अब आपने इसका आगे से ये मैंने ये लगा के अंदर से इसको दबा दिया ताकि मेरा बैलेंस इसके साथ एडजस्ट हो जाए। इसी तरह ही मैं ऊपर वाली साइड से भी यही प्रोसीजर करूँगी। ये देखें, पहले मैंने इसका बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद मैं इसको ये देखें ऐसे पिनअप कर दूँगी। पिनअप करने के बाद एक कोने वाली साइड पे भी कर दूँगी। जी अब मैं ये जो है इसके अंदर अटैच कर दूंगी। इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से मैंने इसके अंदर अटैच कर देना है ऐसे।
इनको पहले अंदर किया, अंदर करने के बाद आपने इसे बिल्कुल सेम बैलेंस पे ये साइड में एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी। और ये देखिए ये वाली साइड मेरी जितना मुझे लेवल चाहिए मैं उस लेवल पे ये आ गई है। ये देखिए जी बस अब आपने इसी को ही USU को इसके साथ लगा देना ताकि ये स्लिप ना हो। इसके बाद आपने अब आपने इसको थोड़ा सा और ऊपर लाना है ताकि जहाँ पे मैंने ग्लू लगाई है वहाँ अटैच हो जाए। ऐसे जी ये देखिए ये हमारा वास रेडी हो गया है। अब आपने करना क्या है, कोई सी भी आप वूल यूज़ कर सकते हैं, मैं ये ब्लैक वूल यूज़ कर रही हूँ। आपने ये साड़ी इसके ऊपर अटैच कर देनी चिप राउंड में इसको लगा देनी है। सबसे पहले मैंने ये एक्स्ट्रा पीस मैं काट दूंगी। छोटी सीजर के साथ ही कटेगा ये। काट लिया इसकी फिनिशिंग करती जी बस। मैंने ये USU ग्लू ली और उसके साथ लगाना शुरू किया। साड़ी USU ग्लू लगा दी। अब आपने इसको सेम उसी प्रोसीजर से ये देखिए जी बस। अब आपने इसके साथ साथ इसको राउंड देते जाना इसी तरह ही आपने इसको सारा कवर कर देना है। बिल्कुल लूज लूज नहीं आपने इस ऊन को इसके साथ ना टाइटली हाथ रखना है, इतना टाइट भी नहीं रखना कि इसका डिज़ाइन ना है, ढीले हाथ से इसको आपने करना है। जी व्यूअर्स जी मैंने अच्छी तरह इस पर लपेट दी है।
अब ये थोड़ी सी रह गई है, जी व्यूअर्स जब ऊपर आ जाएं तो इसकी ग्रिप को मज़बूत करने के लिए आप थोड़ी सी इधर ग्लू लगाएं ताकि ग्रिप अच्छी हो जाए। ये देखिए आप इजीली जी व्यूअर्स मैं ये थोड़ा सा रह गया, आप मैं इसको भी कवर कर दूंगी। अब ये जो लास्ट वाला स्टेप है इस पे भी मैं अच्छी तरह ग्लू लगा दूंगी ताकि हमारा ये चिपके नहीं, गिरे नहीं, निकले नहीं। बाकी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और मैं इसके कोने पे अभी अटैच कर दूँगी इस तरह। इस तरह से जी व्यूअर्स ये देखिए बस मेरा रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा रेडी हो गया है। सबसे पहले ऊपर मैं बीट्स लगा लूँगी, आप चाहें तो रेड कलर के भी लगा सकती हैं, आप चाहें तो डबल कंट्रास्ट भी कर सकती हैं। ये दो तरह के बीट्स हैं, ये देखिए ये दो तरह के बीट्स हैं, मल्टी कलर्स के भी हैं, सिल्वर में मल्टी कलर हैं और ये रेड कलर के हैं। अब मैं इन्हें लगाना स्टार्ट कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम बीट्स लगा देते हैं। ये देखिए ये मैंने एक डॉट लगाया और इसके साथ ही ये देखिए इतने फासले पे मैं साथ साथ ये देखिए ये देखिए ऐसे एक डॉट और एक लीफ थोड़े थोड़े फासले पे आप लगाती हैं। आप इसी तरह लगाएं, अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहती तो टोटल इस कलर के भी लगा सकती हैं। मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, ये देखिए ये मैंने उतार लिया। उतारने के बाद इस पे आप चाहें तो प्योर वो भी कलर लगा सकती हैं, आप चाहें तो ये बिल्कुल इसके साथ साथ ये भी अटैच कर सकती हैं इसी तरह। हाँ ऐसे मैंने दोनों आइडियाज़ आपको बता दिए हैं, आप जौन सा चाहें
लगा सकती हैं, ये बिल्कुल इसके साथ साथ लगाना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसके साथ साथ लाइन लगा लूँगी और इसको कंप्लीट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने यूएच व्यू ग्लू के साथ मैंने ये सारे कुंदन लगा दिए हैं। अब चाहें तो आप इनके दरमियान में एक इस साइड पे लगा लें। मैं वो भी लगा देती हूँ। ये देखें कहीं कहीं डॉट लगाने हैं, किसी किसी डॉट पे ये लगेगा ऐसे, एक यहाँ जगह जगह फासले पे लगाने हैं ऐसे। ये देखिए इसी तरह इस फासले पे जी, ये इस तरह मैंने ये इसको लगा दिया। अब इसी तरह मैं इधर भी लगा दूंगी, वो बाद में स्पेस देख के लगाऊंगी। इसके बाद ये जो मैंने हमने रेडी किए थे, अब इनकी बारी है, मैं साइड पे कर दूंगी। ये देखिए अब ये जो आपने लगानी है, ये जो हमने बनाए थे, ये आपने इस तरह लगाने हैं साथ साथ अटैच करके। तो लगाते हैं पहले वाला, कितनी स्पेस लेगा। ये देखिए इसको आपने फिंगर की मदद से बिल्कुल इक्वल लगा लेना ऐसे, इसको ऐसे रखें और इसके साथ साथ इसको अटैच करते जाएं ऐसे, इसके बिल्कुल बैलेंस पे, इसके नीचे से नोट का बैलेंस रखिएगा ऐसे, इसी तरह साथ साथ लगाती जाएं और इसका बैलेंस करती जाएं। बिल्कुल साथ साथ लगाने हैं बैलेंस पे ऐसे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये ग्लू के साथ मैंने ये सारे अटैच कर दिए। अच्छा जी, इसके बाद ये जो मैं ये लगा रही थी, अब मैं इनको कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा जी, था अब हम इसी के बैलेंस पे मैं ये इस साइड पे लगाऊंगी ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे। ऐसे और इन दोनों के दरमियान में जी व्यूअर्स, ये देखिए सेम बैलेंस पे मैंने लगा दिए हैं। अब आप जो सिल्वर वाले क्लीव से मैं इसके दरमियान में लगा दूंगी। लीव्स थ्री लीव्स जी, बस ये देखिए ऐसे लगा दूंगी। अब इसके इस साइड पे लगाऊंगी ये।
जी वेनस। तो देखिए एक पीट से आ गया, एक पीट से ये, और एक ये सेंटर पे, यहाँ इस सेंटर पे लगा लेते हैं। इस सेंटर पे उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस खूबसूरत से गुलदान के लिए कम से कम 1000 लाइक्स तो बनते हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, वो भी फ्री में। ये देखिए वास कंप्लीट हो गया है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त वास बना है। ये देखिए जी बेस, ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक सिंपल से पेपर के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करके मैंने इसको ये कवर कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये उम्मीद करता हूँ आज का ये वास आपको पसंद आया होगा। And thanks for watching.